Hey guys, this is Pankaj and I'm gonna teach you something new in English. अब गाना, ये गाना क्या होता है? सब लोगों को प्रॉब्लम शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर आती है. सो आजकल हम लोग जब भी वेब सीरीज देखते हैं वहां हम लोग सब टाइटल पढ़ के उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो बहुत जगह शॉर्ट फॉर्म्स लिखे होते हैं, तो वहां हम लोग समझ नहीं पाते कि इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे. तो आज कुछ ऐसे वर्ड्स हम लोग लेंगे जिन्हें अगर हम लोग दोबारा देखेंगे और आप अगर कोई वेब सीरीज देखते हैं तो आप उसे इजिली समझ पाओगे. तो सबसे पहले देखिए, ये लिखा है गोइंग टू, तो इसको हम लोग बोलेंगे गोना. जैसे कि मैंने बोला आई एम गोना टीच यू समथिंग न्यू, आज मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूं. सो एक एग्जांपल है, लिखा है आई एम गोना गो देयर, मैं वहां जाने वाला हूं. अगर इसको इजी इंग्लिश में बोलेंगे तो आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग न्यू, आई एम गोइंग टू गो देयर, मैं वहां जाने वाला हूं, मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला हूं. पर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे गोना गो, गोना टीच यू. तो आप लोग इसे यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और इंप्रूव और अच्छा स्टाइलिश बना सकते हैं. तो नेक्स्ट वर्ड है want to, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम लेंगे wanna. तो जैसे लिखा है I wanna dance here, मतलब मैं यहाँ डांस करना चाहता हूं. अगर हम लोग इसे इजी इंग्लिश में बोलेंगे तो I want to dance here, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं I wanna dance here. जैसे कि एक और हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं I wanna meet you tomorrow, मैं कल आपसे मिलना चाहता हूँ. I wanna do this work today, मैं ये काम आज करना चाहता हूँ. तो अगला वर्ड हमारे पास आ जाता है काइंड ऑफ, तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं काइंड ऑफ. सो यहाँ एक एग्जांपल है शी इज काइंड ऑफ फनी, मतलब शी इज काइंड ऑफ फनी, वो थोड़ी मजाकिया है. दिस वर्ड इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, मतलब दिस वर्ड इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, ये काम थोड़ा मुश्किल है. सो जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है गिव मी, इसको हम लोग गिमे बोल सकते हैं. तो जैसे यहाँ लिखा है आप देख सकते हैं गिव मी सम मोर टाइम, गिमे, गिव मी सम मोर टाइम, मुझे थोड़ा और समय दो. गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए दो. तो गिव मी. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हैव गॉट टू, मतलब कुछ करना ही है, इसको हम लोग शॉर्ट में गौरव बोल सकते हैं. तो आई हैव गॉट टू गो नाउ, मुझे अब जाना ही है. आई हैव गॉट टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना ही है, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट है डोंट नो, इसको हम लोग दोनों बोल सकते हैं. जैसे कि आई डोंट नो वेयर इज ही, मुझे नहीं पता वो कहाँ है. आई डोंट नो हाउ टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना नहीं आता. डोंट नो, ठीक है, सिंपल. नेक्स्ट है लेट मी, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे लेट मी. जैसे कि लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो. लेट मी टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने दो. लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो. लेट मी, सिंपल है. लेट मी को हम लोग लेट मी बोल सकते हैं. एंड द लास्ट हमारे पास है विल नॉट, इसको हम लोग won't बोलेंगे. won't, जैसे कि ये लिखा है आई won't डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं करूंगा. आई won't मीट यू, मैं आपसे नहीं मिलूंगा. आई won't कम tomorrow, मैं कल नहीं आऊंगा. तो आप इन वर्ड्स का यूज करके अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं और थोड़ा स्टाइलिश बना सकते हैं. और अगर आपको वेब सीरीज देखते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई वर्ड या कोई शॉर्ट फॉर्म नया मिलता है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो मैं ट्राई करूंगा उन वर्ड्स को लेके और नए वीडियोस बनाऊं ताकि मैं आपकी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकूं. और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के अंदर आप और अच्छे तरीके से इंग्लिश को सीख सके. थैंक यू सो मच.